नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इससे ज़्यादा अजीब सिचुएशन आपने पहले नहीं देखी होगी। सब खामोश है पर बावजूद इसके खामोश रहने को बोला जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो देखते हैं, पर आप भी खामोश जरूर रहिएगा क्योंकि इमरान लोंडा बोल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कना बदो वैया कनस्ताइन। शुक्रिया अच्छा, खामोशी खामोशी। अब थोड़ी देर आपने आराम से मेरी बात सुननी है। दे दो कागज। अच्छा जी, कोई अब नारे नहीं लगाने। नौजवानों, कोई नारे नहीं। खामोशी। दे दो। अच्छा जी, खामोशी। अगर आप खामोश हो जाएं तो आप मेरी आराम से बात सुन सकेंगे। देखिए, जब ढोर मरता है तो सबसे पहले कौवे ही शोर मचाने आते हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मची तबाही ने यहां की सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। हालत यह है कि गरीबों को 12,000 की इमदाद देते देते पाकिस्तान का खजाना खाली होने के कगार पर है। चारों तरफ से गिर चुके इमरान खान ने कल फिर ट्रंप को फोन मिला दिया। उन्होंने ट्रंप से न केवल भीख की गुहार लगाई बल्कि अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 10 लाख टेबलेट भेजने की बात भी दोहरा दी। मगर ट्रंप ने यह कहते हुए इमरान को आईना दिखा दिया कि अमेरिका में इस टैबलेट से कोरोना वायरस के मरीजों को कोई लाभ नहीं मिला है, अब उन्हें इस टैबलेट की कोई जरूरत नहीं रही है। पर बात इतने पर ही नहीं खत्म हुई। इमरान ने कोरोना वायरस की लड़ाई में अमेरिका से तजुर्बा मांगा तो ट्रंप ने साफ तौर पर मोदी से बात करने की सलाह दे दी। उन्होंने इमरान को आगाह किया कि वे इस संबंध में पीएम नरेंद्र मोदी से सलाह मशवरा कर सकते हैं। वे भारत में कोरोना वायरस से बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने अपने गरीब नागरिकों को 3 माह तक 12,000 रुपए देने का ऐलान किया था, जो कुल मिलाकर 200 अरब रुपए का पैकेज था, जबकि इसके मुकाबले पाकिस्तान के खजाने में 6 अरब डॉलर ही बाकी थे, जिसमें अब 3 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। इन हालातों में पाकिस्तान को बिजली कंपनियों और चीन का कुल 11 अरब 13 करोड़ डॉलर चुकाना है। इसमें अकेले चीन के 3 अरब डॉलर चुकाए जाने हैं। मगर पाकिस्तान के खाली खजाने के चलते अब अमेरिका के आगे झोली फैलाना उसकी मजबूरी बन गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि मंगलवार को इमरान की मंत्री फिरदौस आशिक अवान ने दावा किया था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा खरीदने के लिए कई देशों के नेताओं ने इमरान को फोन किया है। इसके लिए अमेरिका को 10 लाख टैबलेट, कजाकिस्तान को 7 लाख टैबलेट, तुर्की, इटली और कतर को 7 लाख टैबलेट और ब्रिटेन को 5 लाख टैबलेट देने की तैयारी कर ली गई थी। मगर कल ही अमेरिकी रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस रिपोर्ट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कोरोना वायरस के इलाज हेतु ठीक नहीं माना गया है। दरअसल पाकिस्तान द्वारा यह कदम बहुत देर से उठाया गया था। पाकिस्तान हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन निर्यात करके अपने कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के मंसूबे पाल रहा था। उसका मकसद भारत की तरह प्रशंसा बटोरना और निर्यात करके पैसा बनाना था। मगर अमेरिकी रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान खुद ही जंग का अखाड़ा बन गया है। आइए देखते हैं यह वीडियो जिसमें इमरान के समर्थक ने कैसे हलाला को अंजाम दिया। बंद करो। नहीं, बच्ची, कुत्ते की बच्ची। मैं नहीं सुनूंगी। प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा प्लीज। की बच्ची हो तुम मावी साहब, आप रामदानी बेहया औरत, तुम जैसी जैसी की तैसी वो बेहया फैलाए सोशल सेटअप में। 20 आदमी की औरत तुम हो, कुत्ते की बच्ची रामी, लानत तुम्हारी शक्ल के ऊपर बेगैरत। मालूम नहीं है कि कैसे बात की जाती है और तुम्हें मालूम है उल्लू की पटली तुम्हें। चले देखिए, पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की आधिकारिक संख्या 10,513 पर पहुंच चुकी है। इसी बीच 224 टोपीबाज हुरमिलन अभियान का हिस्सा बने हैं। अगर जूतब्बे जारी करनी थी तो इस मसले पर कहीं ज्यादा अच्छी हो सकती थी, मगर यहां पर जंग कोरोना वायरस से कम भीख पर ज्यादा लड़ी जा रही है। सिर्फ यह इमरान समर्थकों की हालत नहीं है, बल्कि फिरदौस आशिक अवान भी तशरीफ को पटक पटक कर मार रही है। हालत यह है कि कोई कुछ सुनने को ही राजी नहीं है। मैं कर रहा हूं ना, लेट मी हैंडल द सिचुएशन। डॉक्टर साहिबा एक सेकंड, बात बंद करो। तुम्हारे क्या से थर्ड क्लास बंदे? डॉक्टर साहिबा आप मेरे ख्याल से अल्फाज इस्तेमाल कर रही है ना जी, एक वजीर को एक मामले खसूस कर सकता। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, धन्यवाद।